तो जी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे सामने इतना सारा ये क्या पड़ा है, तो जी ये है जय जलाराम का सबसे फेमस रस्से वाला खमन। और यहाँ पे इसी तरीके से टावर द टावर द टावर रोजाना रस्से वाला खमन बनाया जाता है। और जितना भी आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ना भाई, इसको निपटने में ना हार्डली 20 से 25 मिनट लगे, क्योंकि सूरत के लोग दीवाने हैं इनके इस रस्से वाले खमन के। आइए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इनके इस रस्से वाले खमन की। भाई साहब मतलब आई एम सो एक्साइटेड, ये पूरा टावर देख के, पहाड़ है ये पहाड़ रस्से वाले खमन का। देखिए जी यहाँ पे तैयार होने जा रहा है ये रस्से वाला खमन, और इसके लिए सबसे पहले जो खमन है ना उसको हाथों की सहायता से किया जाता है जी क्रश। आप देखेंगे जितना भी यह खमन है, जितने भी बड़े बड़े पीसेस आप देख रहे हैं, उसको हाथों की सहायता से यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से महीन जो है ना वो क्रश कर दिया जाता है। बिल्कुल जैसे भुर्जी टाइप होती है ना, बिल्कुल वैसा इसको यहाँ बना लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हाथ से मसला जा रहा है, और एक एक करके अब किस तरीके से यहाँ पे ये बाउल सजाए जाएंगे, लगाए जाएंगे ना, आप देखेंगे। और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे इसको रस्से वाले खमन को तैयार किया जाता है। अब देखिए हाथों की सहायता से क्रश करने के बाद अब एक एक करके सारे के सारे बाउल्स को भरा जाता है। सबसे पहले डाला जाता है जिसमें खमन, उसके बाद डाली जाती है ये सैलड, और सैलड भी भरपूर मात्रा में यहाँ आती है। देखिए जी सबसे पहले नीचे खमन डाला जाता है, उसके बाद सैलड डाली जाती है, और ऊपर से भी जो क्रश खमन है ना वो इस तरीके से स्प्रेड किया जाता है। भाई क्वांटिटी आपके सामने है, और ये जो बाउल आप यहाँ देख रहे हैं ना 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारे के सारे बाउल यहाँ पे जो है ना वो निपट जाते हैं। इसलिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो काम है ना वो चलता रहता है, हाथ एक सेकेंड के लिए भी यहाँ पे इनका रुकता नहीं है। खमन की प्लेट यहाँ लगती रहती है, रस्सा डलता रहता है भुजिया से ऊपर से डाल के। ये मात्र 30 से 40 रुपए की जो प्लेट है ना, बेस्ट है भाई। अगर आप नाश्ते के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, आप लंच के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। अब ये देखिए जी जितने की जितनी प्लेट्स यहाँ पे इन्होंने तैयार किए ना, अब उसको यहाँ पे इस थाल पे सजाया जाएगा, और आप जरा काउंटिंग करते जाइएगा, क्योंकि इस थाल पे ना 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा जो प्लेट्स है ना उसको लगाया जाता है, उसको सजाया जाता है, और फिर यहाँ पे इस थाल को भेज दिया जाता है आगे काउंटर पे सर्व करने के लिए। ये देखिए जी कैसे यहाँ पे जो माउंटेन है ना, माउंटेन ये रस्से वाले खमन का, वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। भाई मैं जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ कि प्लेट दर प्लेट यहाँ सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही लगती रहती है, ऐसे ही सजती रहती है। पूरे की पूरी जो ट्रे है ना उसको उठा के इधर काउंटर पे रखा जाता है, और यहाँ पे जो आप ये दूसरी थाल देख रहे हैं, अब एक एक करके वहां से उस डिश को उतारा जाएगा, इस थाल पे रखा जाएगा, रस्सा ऊपर से डाला जाएगा, और फिर लोगों को क्वांटिटी दर क्वांटिटी जो है ना वो सर्व किया जाएगा। ये देखिए भाई साहब, ये है रस्सा जो कि तैयार होता है बेसन से जी। ये देखिए बेसन से ये रस्से को तैयार किया जाता है, और जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में कड़ी रहती है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी है, इसकी रंगत बिल्कुल वैसी है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए ये है जी रस्सा जो कि इनके खमन को बनाता है सुपर स्पेशल और सुपर टेस्टी। है हमारा सबसे जूना और प्रख्यात रस्सा वाला खमन, ये हमारे दादा और दादी ने चालू किया था। बाद में ये आया हमारा कचौरी, रस्से वाला कचौरी आया, क्रंची कचौरी, ये सब अभी लेटेस्ट आइटम है। सबसे जूना ये रस्सा वाला खमन। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था ये? हम 50 साल प्लस हो गया। अच्छा, मतलब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी। अच्छा तीसरी पीढ़ी। हाँ, और मेरे को खुद को यहाँ 22 साल हो गया। क्या बात है। ये क्रंची कचौड़ी, क्रंची कचौड़ी है ये, क्रंची समोसा पंजाबी। अच्छा क्रंची पंजाबी समोसा, पंजाबी समोसा। इसमें भी दोनों में सेम रसा और खजूर का चटनी। अच्छा दोनों में रहता है? हाँ दोनों में रहता है, और अनलिमिटेड जितनी बार जितनी मर्जी बार, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड रसा चटनी सलाद अनलिमिटेड। और ये हमारा सूरती समोसा, दाल कांदे का, दाल का समोसा। कौन सा दाल रहता है? ये चने का दाल, चने का दाल रहता है। और चने का दाल इसको भी हम क्रश कर देते हैं पूरा। कितना आता है प्लेट में? 4 पीस। 4 पीस। और इसमें ये नमकीन रहेगा, और ऐसे ही हम दे देते हैं जिसको रसा चाहिए वो रसा डलवाएगा, सलाद चाहिए सलाद तो बाहर हमने रखा ही है, जितना लेना उतना ले लेगा, बराबर। ये है क्रंची कचौरी, इसको भी ऐसे क्रश करके, और इसमें नमकीन की जगह पे ये पापड़ी आएगा। अच्छा पापड़ी रहता है? ये पापड़ी रहता है इसके साथ, हमारा इडला जो चावल का बनता है। अच्छा ये वाइट ढोकला रहता है? वाइट ढोकला, ये चावल से बनाया जाता है। यस यस, इसमें भी ये नमकीन आएगा, इसमें भी रस्सा डलवाते हैं लोग, इसमें भी रस्सा, सब में रस्सा। अच्छा मजा आएगा, सारा मजा रस्से का ही है। रस्सा ही का ही है। क्या बात। और ये पाटुड़ी, ये बेसन का बनता है, खांडवी, खांडवी बोलो, पाटुड़ी बोलो, रोल बोलो, सब
अलग अलग बोलते हैं। और ये भी 30 रुपए का रहता है? कोई भी आइटम 30 रुपीज, सारा आइटम 30 का है। कोई भी प्लेट लो आप, इसमें भी नमकीन आएगा, जिसको रसा चाहिए ले लेगा और सलाद चाहिए ले लेगा। और ये नायलॉन खमन, नायलॉन खमन बोलो, अहमदाबादी खमन बोलो, ये स्वीट रहता है। ये भी 30 रुपए का प्लेट रहता है? 30 कोई भी आइटम 30 रुपीज प्लेट। भाई मुझे ना यहाँ पे एक अंकल मिले हैं जो कह रहे हैं मैं बचपन से यहाँ पे इनके रस्से वाला खमन खा रहा हूँ। तो इनके दादाजी के टाइम से खा रहे हैं आप? हाँ, उनके दादाजी का टाइम पे 25 साल हो गया कम से। हाँ, और जब खाना जब आप आते थे तो कितने की प्लेट मिलती थी? वो पहले तो 8 रुपए की मिलती थी। 8 रुपए की? हाँ, अभी 30 रुपया। और स्वाद बिल्कुल वैसा ही है? साफ वैसा ही, कुछ नहीं बदला? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टेस्ट है। सेम टेस्ट। भाई देखिए, फाइनली मैंने अपने यहाँ पे ये प्लेट ले ली है और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको ये सैलेड जो है ना वो अनलिमिटेड दी जाती है। देखो कितनी सारी सैलेड यहाँ पे ऑलरेडी बना के इन्होंने रखी हुई है और ये आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ये है जी इनका रस्सा और ये रस्सा भी अनलिमिटेड रहता है, जितना आप चाहें उतना अपने इस ढोकले पे डाल सकते हैं, खमन पे डाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड मात्र 30 रुपए के अंदर। ये है जी सूरत का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जलाराम का खमन। और कहते हैं कि भैया अगर आप यहाँ पे आके इनका ये रस्से वाला खमन नहीं खाएंगे ना तो फिर ट्रिप जो है ना इनकम्प्लीट सी रहती है। ये रहा वो परफेक्ट बाइट, बताता हूँ। देखिए अगर आप तीखा खाते हैं तो ये डिश आपके लिए। भाई इनका जो रस्सा है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा लाजवाब है, समवेयर सिमिलर टू द कड़ी जो हम खाते हैं नॉर्थ इंडिया में। मिलता जुलता स्वाद है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अलग है। कड़ी जो होती है काफ़ी खट्टी होती है लेकिन एक खट्टी नहीं बहुत ज़्यादा तीखी है। और अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो भाई आपको ना ये डिश खा के ना सच में मज़ा आ जाएगा। और ये श्योरिटी है कि एक प्लेट में आप रुकने वाले नहीं है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटा। भैया आप कब से खा रहे हैं? 20 साल हो गए, 25 साल से खा। अरे वाह, तो ऐसा रस्से वाला खमन पूरे सूरत में कहीं नहीं मिलता? कहीं नहीं, कोई ऐसा टेस्ट नहीं, कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना सकता। अरे वाह सर, तो सबसे खास बात क्या लगती है आपको इनके रस्से वाले खमन की? या तो रस्सा बढ़िया है, खमन है, दोनों बढ़िया है, दोनों चीज़ बढ़िया है। पहले तो सिर्फ रस्सा ये खाई इतना ही बिकता था, अब तो ये सब क्रंची वेफर है वो सब भी बेचने लगे, समोसा बेचने लगे। पहले खाई रस्सा वाला खमन और रस्सा, लेकिन रस्से वाले खमन का मुकाबला नहीं आप कह रहे हो, क्या बात है। देखिए सूरत के लोग ही कह रहे हैं कि भैया ऐसा आपको, कहाँ से आते हैं? कतारगाम से खाने आए। कितना दूर है यहाँ से? 4-5 किलोमीटर दूर है। भाई जो है ना स्वाद की दीवाने ढूंढ ही लेते हैं अपने परफेक्ट अड्डे। ये कह रहे हैं मैं पिछले 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे ये रस्से वाला खमन खाने के लिए। और अगर आप भी स्वाद के दीवाने हैं ना सूरत में आए हैं तो भाई जय जलाराम पे आके इनका ये रस्से वाला खमन खाइए विद अनलिमिटेड रस्सा एंड विद अनलिमिटेड सैलेड। ज़रूर आइएगा, ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रिकमेंडेशन। बहुत स्वाद है यार।